हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश मिडर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मिडर क्लासेस में। आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम रेजोल्यूशन, चैप्टर नंबर 11, विच नेम इज द इम्प एंड द पेजेंट्स ब्रेड। ठीक, कहने का मतलब किसान की रोटी और एक शैतान, ये कहानी है। द इम्प एंड द पेजेंट्स ब्रेड इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय काउंट लियो टॉलस्टॉय। Count Leo Tolstoy was born on 9 September 1828 in Russia. Russia mein inka janm hua tha. He died on 20 November 1910. 20 November 1910 mein inki mrityu ho gayi thi. He is best known for the novels. Hai na? Ye वैसे मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक, इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, इन्होंने कई सारे प्लेज भी लिखे हैं और इन्होंने कई सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं। इनका जो खासा नाम है वो इन नॉवेल्स के कारण है। ठीक, जो काफी बेहतरीन है, उनमें एक है वॉर एंड पीस, दूसरा है एना करेनिना और तीसरा है रेजरेक्शन। ठीक, तो ये तीन इनके बहुत ही शानदार नॉवेल्स है। चलिए, ये कुछ बातें थी हमारे राइटर के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी के बारे में, उसके हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन अ फोक टेल अबाउट हाउ एन इम टेम्प्ट्स peasants and by corrupting him brings out the beast in him. क्या कहना चाह रहा सुनी का? This story based on a folk tale. पहली बात की है ना, ये एक folk tale, कहने का मतलब जिसे हम कह सकते हैं लोक कथा। ठीक, तो ये एक लोक कथा पर based है। About how an imp tempts a peasant. ये एक कहानी है एक imp की, एक शैतान की, जो कि tempt करता है। Tempt का मतलब होता है किसी को ललचाना। ठीक है, किसी के अंदर लालच पैदा कर देना। तो वो इम्प जो है वो कैसे लालच पैदा करता है एक पेजेंट्स के अंदर, कहने का मतलब एक किसान के, एक किसान के अंदर। एंड बाय करप्टिंग हिम ब्रिंग्स आउट द बीस्ट इन हिम, और उसको इतना करप्ट बना देता है कि उसके अंदर का जानवर जो है वो बाहर आ जाता है। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाता हूँ कि ये कहानी एक शैतान की, जो कि एक किसान को ललचाता है और उसको इतना करप्ट कर देता है कि उसके अंदर का जो शैतान है ना, उसके अंदर का जो जानवर है वो बाहर आता है। चलिए, दिस स्टोरी नरेट्स दैट अ मैन इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज पुअर। ये कहानी आपको बताती है कि जब एक आदमी गरीब होता है तब वो काफी सेटिस्फाइड होता है ना, वो संतुष्ट होता है अपनी जिंदगी से। दो वक्त की रोटी लाता है, खाता और सो जाता है। ठीक, तो काफी संतुष्ट होता है अपनी जिंदगी से, लेकिन उसके बाद ये कहता है व्हेन ही हैज एक्सेस मनी ही फाइंड्स वेज of getting pleasure out of it. लेकिन जब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तब उस पैसे का क्या करे? उस पैसे का उपयोग करके वो बहुत सारा आनंद प्राप्त करना चाहता है ना? उस आनंद के माया जाल में फिर आदमी जो है वो फंसता जाता है। आपको ये बताया गया है कि एक आदमी जब गरीब होता है तो वो काफी सुख भरी जिंदगी जीता है ना, उसकी जिंदगी में इच्छाएं बहुत कम होती, महत्वाकांक्षाएं बहुत कम होती, जो होता है उसके पास वो उसमें मतलब संतुष्ट होकर बैठता है, अपना जीवन जीता है, अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जब उसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तब वो आदमी क्या करता है, अपने फालतू दिमाग को दौड़ाता है कि इससे मैं क्या क्या आनंद प्राप्त कर सकता हूं। तो आपको इसमें यही बताया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद दिस स्टोरी इज अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एल्कोहल। ये कहानी आपको दारू है ना, शराब हम जिसे कहते हैं, एल्कोहल हम जिसे कहते हैं। ठीक, तो शराब के जो दुष्प्रभाव है हमारी बॉडी पर, ठीक है, जो भी हानिकारक प्रभाव है उनके बारे में ये कहानी आपको सचेत भी करती है। ठीक, तो इस प्रकार ये था हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी स्टोरी की, अब हम एंटर होते हैं हमारी स्टोरी में। लेकिन स्टोरी में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो जो वो पूरा देखना है, उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है। कारण यह है कि जो मैटर मैं आपको यहां बता रहा हूं, जो चैप्टर, जो स्टोरी मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो सारी की सारी, वो पूरी की पूरी यही क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा जब आप मेरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, ये स्टोरी आप अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, उसके बाद आप अपनी किताब के पास जाइएगा और अपने इस चैप्टर को एक बार नहीं बल्कि दो बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको छोटी मोटी सारी बातें क्लियर हो जाए और आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी की, सुनिएगा। इस स्टोरी में आपको बताया जाता है कि एक किसान है जो कि एक दिन सुबह सुबह अपने खेत के लिए निकलता है अपने साथ में दोपहर का भोजन लेकर। वो खेत में पहुंचकर अपना कोट उतारता है और अपने कोट के अंदर अपना जो दोपहर का भोजन है जिसमें रोटियां हैं, ठीक, उन रोटियों को वो अपने कोट के अंदर लपेट के एक झाड़ी के नीचे या एक झाड़ी के अंदर छुपा देता है। उसके बाद वो अपने घोड़ों के साथ अपने खेत को जोतने में लग जाता है, अपने खेत को खेत में हल चलाने लग जाता है। उसके बाद जब दोपहर होती है तब उसे लगता है कि शायद मेरे घोड़ों को भूख लगी है।
ठीक, अब मैं उन्हें छोड़ देता हूं, तब वो उन्हें खोल देता है और उन्हें चलने के लिए छोड़ देता है, खुद भी उस झाड़ी के पास जहां पर उसने रोटियां रखी थी वहां पहुंच जाता है। अब वो वहां आकर अपने कोट को टटोलता है लेकिन उस कोट के अंदर रोटियां गायब है। ठीक, वो बेचारा काफी दुखी होता है, वो इधर उधर सोचता है और फिर वो सोचता है कि शायद मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई है। लेकिन फिर वो अपने मन को बड़ा करता है और फिर वो अच्छी बात सोचता है, वो कहता है कि शायद जिसने भी मेरी रोटी चुराई है उसे मुझसे ज्यादा भूख लगी है, मुझसे ज्यादा रोटियों की आवश्यकता उसे है, ठीक, इसीलिए उसने मेरी रोटियां चुराई, भगवान करे मेरी रोटियां जो है वो उसके काफी काम आए। वो ऐसा सोचता है, एक बड़ी सोच रखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा काम किसने किया है, वास्तव में उसकी रोटी को चुराया गया है। अब रोटी को किसने चुराया तो मैं आपको बता देता हूं, जहां जिस झाड़ी के पीछे, जिस झाड़ी के नीचे उसने वो रोटियां छुपाई थी, ठीक, उस झाड़ी के पीछे एक शैतान बैठा, एक इंप बैठा है। वो इंप जानबूझकर उसकी रोटियां चुराता है। उसने ऐसा क्यों किया तो मैं आपको बता देता हूं कि वो चाहता था कि जब उसकी रोटियां गायब हो जाएगी किसान की, तब वो जो किसान है वो अपने अंदर का जानवर बाहर निकालेगा, वो गुस्सा करेगा, वो गालियां बोलेगा, ठीक है। तो ये जो शैतान है वो चाहता था कि ये आदमी अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाले, एक बुरा आदमी बने, मुझे गालियां बोले, मुझ पर गुस्सा करे, है ना, और उसके अंदर का राक्षस, उसके अंदर का जानवर जो है वो बाहर आए, उसके अवगुण जो है वो बाहर आए, वो ऐसा चाहता था। लेकिन ये किसान काफी अच्छा था, इसलिए उसने बड़ा मन रखा और उसने सोचा, है ना, और ऐसे सोचते हुए, एक अच्छी सोच रखते हुए ऐसे बोल बोले कि जिसने भी मेरी रोटी चुराई शायद उसको मुझसे ज्यादा जरूरत थी और भगवान करे मेरी रोटियां उसके बहुत ज्यादा काम आए। इस प्रकार से सोचा। अब ये इम्प जो कि अब काफी हताश है क्योंकि जैसा उसने सोचा वैसा हुआ नहीं, तो अब ये अपने बड़े मालिक के पास जाता है, इससे भी बड़ा एक शैतान है जिसके लिए आपकी किताब में वर्ड यूज किया गया है डेवल, है ना, DEVIL। तो ये अपने डेवल के पास जाता है और वहां जाकर अपनी आपबीती सुनाता है और उन्हें कहता है कि भाई मैं असफल हो गया, उस आदमी को मैं जानवर बनाना चाहता था लेकिन वो तो जानवर बन ही नहीं रहा है, ठीक। तब उसके डेवल ने कहा कि शायद तुमने तुम्हारा काम अच्छे से नहीं किया होगा, उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने तुम्हारा काम अच्छे से नहीं किया है, तुम शायद तुम्हारा काम भूल रहे हो, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूं, अगर तुमने इन 3 सालों में अगर तुम्हारा काम अच्छे से नहीं किया तो मैं तुम्हें होली वाटर पवित्र पानी में फेंक दूंगा। अब ये जो इम्प है ये बेचारा डर जाता है, वापस धरती पे आता है, वापस उस किसान के पास आता है और यहां आकर एक मजदूर का वेश धारण करता है, है ना, अपना रूप बदलता है, एक मजदूर बनता है और उस किसान के साथ काम करने लग जाता है, उस किसान के साथ में उसका नौकर बन गया। अब जब खेती करने का टाइम आया, जब खेत को जोतने का टाइम आया, है ना, उसमें हल चलाने का टाइम आया, फसल बोने का टाइम आया, तब उसने कहा कि मालिक हम फसल इस बार समतल भूमि पर बोते हैं, है ना, जहां पर काफी नमी है, जहां पर पानी की, जमीन में पानी की कमी नहीं है। तो उस किसान ने वैसा ही किया और उन्होंने समतल भाग पे फसल बोई। इस बरस अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक। अब सूखा पड़ने से बारिश हुई नहीं, काफी गर्मी पड़ी और लोगों ने जो दूसरी खेती की थी जहां पहाड़ों पे या दूसरी जगह जहां पर भी खेती की थी, उन सब की खेती बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, जल गई। लेकिन चूंकि इस शैतान ने कहा था कि आपको एक नमी वाले स्थान पर खेती करनी है, उन्होंने वैसा ही किया था और जब बारिश नहीं हुई तो वो जो जमीन की जो जमीन नमी थी वो काम आ गई और कुल मिलाकर उनकी फसल जो है वो काफी अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया अनाज हो गया उनके लिए, ठीक, इतना अनाज हो गया कि वो उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था, कुल मिलाकर ये। चलिए, अब अगले बरस और जब दोबारा खेती करने का टाइम आता तो इस बार वो शैतान कहता है कि मालिक इस बार आप ऐसा कीजिए, पहाड़ पर खेती कीजिए, है ना, पहाड़ी इलाके पे खेती कीजिए जहां पर पानी की कमी रहती है। अब जब उन्होंने पहाड़ी पर खेती की तो इस बरस क्या हुआ, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश से कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, जितनी बारिश जितना पानी उन फसल को चाहिए था उतनी फसल को उतना पानी मिला, ठीक, और कुल मिलाकर दूसरे लोगों की फसलें खराब हो गई, उनकी खेती नष्ट हो गई और इस किसान की खेती काफी अच्छी हो गई, काफी बढ़िया अनाज हो गया। अब उसके पास इतना अनाज है कि वो संभले नहीं संभल रहा है ना, अब उसको सोच में पड़ रहा है, वो सोच रहा है कि अब इस अनाज का क्या करूं। तब ये जो शैतान है वो उसे राय देता है ना, उसे राय देता है कि साहब आप इससे वोडका बना दीजिए, है ना, वोडका जो है वो एक प्रकार की शराब है, आप हमारे अनाज को क्रश कीजिए और उससे वोडका बना दीजिए, शराब बना दीजिए, उससे हमें भी आनंद मिलेगा, काफी मजा आएगा उसको पीने में। किसान मानता है कि बिल्कुल सही है और वो अपने अनाज से शराब बनाता है वोडका। अब वो वोडका पीने लगता है, ठीक, तो अब जब वो शराब पीने लग गया, अपने मित्रों को घर पे बुलाता है, अपने अमीर मित्रों को घर पे बुलाता है, शराब पीने लग जाता है, तभी एम काफी खुश हो जाता है और अपने मालिक के पास पहुंचता है, डेवल के पास पहुंचता है, उन्हें जाकर सारी बात बताता है। अब डेवल कहता है मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वास्तव में तू क्या करके आया और कितना आनंद हमें मिलेगा वहां चल के।
चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, अब मैं देखता हूं कि वो किसान क्या करता है। दोनों फिर उसके घर आते हैं, चुप कर बैठे हैं और देख रहे हैं सारा का सारा वहां पर जो भी मंजर है, ठीक है, जो भी वहां का दृश्य वो उसे देख रहे हैं। वे देखते हैं कि ये जो किसान है वो अपने अमीर दोस्तों के साथ काफी मजे से शराब पी रहे हैं। अब उतने में उसकी पत्नी आती है ना, जो कि उसके पास एक ट्रे पकड़ रखी है, उस ट्रे में ग्लासेज है, तो उसकी पत्नी को मेज से टेबल से ठोकर लग जाती है और उसकी वो जो ग्लास है जिसमें शराब भरी पड़ी है वो ग्लासेस गिर जाती है, ठीक, कुल मिलाकर वो शराब गिरा देती है। जैसे ही उसकी शराब गिरती है किसान काफी गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। ये वही किसान है जिसने अपनी रोटियों के गायब होने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि जो रोटियां मेरी उसने चुराई है वो उसके काफी काम आए। अब वही किसान अपनी पत्नी को अपने बुरे मित्रों के सामने डांट रहा है, वो कहता मूर्ख प्राणी है ना, ठीक, वो कहता लापरवाह इंसान, तुझे पता नहीं पड़ता है, तू जिसे गिरा रही है तुझे क्या लगता है ये कोई सादा पानी है, कोई गंदा पानी है, ठीक, ये कीमती पानी है, ये शराब है, ये बहुत कीमती है, ठीक, इसे ऐसे नहीं गवाया जाता, इसे ऐसे नहीं गिराया जाता है, वो काफी डांटता है। ये दृश्य देखकर वो इंप और वो डेवल जो है वो काफी खुश होते हैं। अब उसके बाद में एक और दूसरा दृश्य दिखाई देता उन्हें कि एक थका हारा एक गरीब किसान उनके घर के सामने से निकलता है, लेकिन वो जब देखता है कि सब यहाँ पर शराब पीते तो वो वहां उनके वहां आता है, जबकि उसे बुलाया नहीं गया है, लेकिन वो बिना मतलब इनवाइट किए है ना, बिना उनको आमंत्रित किए, ठीक, उसको मतलब वो वहां पहुंच जाता है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि वो जो किसान है उसे वहां बुलाया नहीं गया है, उसे वहां आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो जब देखता है कि यहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं, ठीक, तो वो अपने गले की प्यास बुझाने के कारण वो खुद थका रहा है, तो सोचता है कि शायद मैं शराब पीऊंगा तो मेरी थकान दूर हो जाएगी, मेरा गला सूखा हुआ है जो है वो तर हो जाएगा, तो वो आता है इस आसमा के शायद मुझे भी शराब मिलेगी। वो आकर आपके इस किसान से बात करता है, वो कहता है कि मुझे शराब पीनी है, लेकिन वो किसान उसे भी शराब नहीं पिलाता है, वो कहता है ये शराब वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं किसी अरे गहरे को ये शराब नहीं पिलाऊंगा, और वो उसे शराब नहीं पिलाता। ये दृश्य देखकर दोनों इम्प और डेवल काफी खुश हो जाते हैं। अब इम्प कहता है मालिक आप आगे आगे देखते जाइए क्या होता है, है ना। अब डेवल कहता है कि काश ये ऐसा हो जाए, है ना, ये इतनी शराब पिए कि ये लोमड़ी की तरह व्यवहार करे, है ना, फॉक्स की तरह व्यवहार करे और एक दूसरे के साथ फरेब करे, है ना, एक दूसरे को धोखा दे। हम कहते हैं लोमड़ी काफी चालाक होती है, वो धोखा देने का काम करती है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये लोमड़ी की तरह व्यवहार करे और एक दूसरे को चीट करे, एक दूसरे को फरेब करे, तब मजा आएगा। और उतने में वास्तव में ऐसा ही होता है, जब वे शराब पीते हैं पहला ग्लास पीते हैं और जब उसके बाद में, ठीक, और जब वे शराब पीते हैं तो बिल्कुल वो ऐसा ही करते हैं। इम्प और दोनों काफी खुश हो जाते हैं, डबल काफी खुश हो जाता है, लेकिन इम्प कहता है सरकार अभी आप देखिए अभी और मजा आता है, अभी इन्हें एक ग्लास और पीने दीजिए, ठीक। जब वे दूसरा ग्लास पीने लग जाते हैं उसके बाद में वे अब जब दूसरा ग्लास खत्म कर देते तब वे भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं, वुल्फ की तरह व्यवहार करते हैं। भेड़िए जो वो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे से काफी मतलब काफी एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, आक्रामक होते हैं एक दूसरे के काफी, ठीक, तो वो बिल्कुल भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक दूसरे पर चिल्लाना, ठीक है, एक दूसरे को मारना, लाते घूसे मारना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, वैसे करने लग जाते हैं। आपके इस किसान को भी कई बार घूसे पड़ते हैं, कई बार लाते पड़ती है, जबकि वही शराब पिला रहे हैं, कुल मिलाकर शराबी है, ठीक। तो पहले जब उन्होंने पहला ग्लास पिया, ठीक, तब वो एक लोमड़ी की तरह व्यवहार करने लगे, एक दूसरे के साथ चीट करने लगे, फिर उन्होंने जब दूसरा ग्लास पिया तब वो भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगे, एक दूसरे को मारने काटने लगे, ठीक है, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। अब जब ये दृश्य देखता है आपका डेवल, वो काफी खुश हो जाता है और कहता बड़ा मजा आ गया, लेकिन इम्प कहता सरकार अभी रुकिए, अभी इन्हें एक ग्लास और पीने दीजिए। और जैसे ही वे तीसरा ग्लास और पीते हैं और उसके बाद में उन्हें दृश्य दिखाई देता है कि वे बेफालतू की आवाज कर रहे हैं, है ना, एक सूअर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सूअर क्या करता है, बेफालतू आवाज करता है, ठीक, कहने का मतलब कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी वो चिल्लाता चीखता रहता है। तो उसी प्रकार अब जब उन्होंने तीसरा ग्लास ले लिया है, जब तीसरा ग्लास ग्रहण कर लिया है, इतनी शराब पी ली है, तब उसके बाद वे फिजूल की बातें करने लगे, फिजूल में ऐसे ही आवाजें निकालने लगे, ठीक, ऐसे ही चीखने चिल्लाने लगे। ये दृश्य देखकर काफी खुश हो जाता है, फिर इम कहता है सरकार अभी रुकिए, अभी देखिए आप ये क्या करते हैं। अब जब उनकी शराब की पार्टी खत्म हो जाती है तो अब वे घर निकलने के लिए निकलते हैं, तो कोई अकेला निकल रहा है, कोई एक दूसरे के साथ निकल रहा है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कोई एक दूसरे के ऊपर लटक के, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं शराबी किस प्रकार एक दूसरे का सहारा लेते हुए वो निकले होंगे। अब वे पहुंचते हैं, उतने में आपका जो किसान है वो भी बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर वो सीधा का सीधा कीचड़ में गिर जाता है।
बिल्कुल सुअर की तरह व्यवहार हो रहा है, जब वो कीचड़ में गिरा, कीचड़ में वो सन जाता है, वो कीचड़ में ही, कहने का मतलब हम जिसे कहते हैं लोटना, ठीक है, तो कीचड़ में ही अपने शरीर को लोट रहा है। कुल मिलाकर जिस प्रकार एक सुअर कीचड़ में लद जाता है, कीचड़ में भर जाता है, ठीक उसी प्रकार ये किसान भी पूरा का पूरा कीचड़ से सन गया है। तो बिल्कुल जब उन्होंने पहला ग्लास पिया, ठीक, तब वो एक लोमड़ी की तरह व्यवहार करने लगे, जब उन्होंने दूसरा ग्लास पिया तो वो एक भेड़े की तरह व्यवहार करने लगे, और जब उन्होंने तीसरा ग्लास पिया उसके बाद वो एक सुअर की तरह व्यवहार करने लग गए। अब ये सारा मंजर देखकर जो आपका डेवल है वो काफी खुश हुआ, अपनी इम्प को काफी शाबाशी दी, और अब उससे पूछा कि तुमने क्या किया, क्या तुमने इस शराब में एक लोमड़ी का, एक भेड़िए का और एक सुअर का खून मिलाया। तब वो इम्प कहता, नहीं सरकार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो शराब बनाई, ठीक है, शराब जो कि अनाज से बनी थी, ठीक, इसके पास काफी अनाज हो गया था और इतना अनाज ये संभाल नहीं पा रहा था, ठीक, अब उस अनाज से काफी पैसे वाला बन गया, अब ये पैसों से, या कहने का मतलब इन पैसों से ये आनंद लेना चाहता था, इतने अनाज से ये आनंद लेना चाहता था, इसके पास ये इतना साधन संपन्न बन गया, तब इसने क्या कर दिया, मैंने इसके मन में लालच भरा और मैंने कहा आप इसकी शराब बना दो, इसने शराब बना दी और ये शराब पी के अब आनंदित होने लग गया, और शराब पीने के बाद इसने ऐसा काम करने लग गया। अब उसने ऐसा काम क्यों किया, तो वो बात बताता है कि सरकार देखिए, मनुष्य में ये जो लोमड़ी का खून है, जो भेड़िए का खून है, जो सुअर का खून है, ये पहले से ही भरा पड़ा रहता है। कहने का मतलब क्या कि मनुष्य में बुराइयां होती है, मनुष्य में अच्छाइयां भी होती है, तो उसके साथ साथ बुराइयां भी होती है। वक्त आने पर, है ना, आदमी कोई अच्छा बनता है तो कोई क्या बन जाता है, बुरा। अगर वो अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालता तो वो अच्छा बन जाता है, और अगर वो अपने बुरे गुणों को बाहर निकालता तो वो बुरा बन जाता है। मैंने यही काम किया, इस आदमी के बुरे गुणों को बाहर निकाल दिया, इनको मैंने शराब का नशा दिया, और शराब के नशे में इनके अंदर का जो जानवर था वो बाहर आ गया, ठीक, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं मिलाया, न तो मैंने इसमें किसी लोमड़ी का ब्लड मिलाया, न इसमें मैंने किसी भेड़िए का ब्लड मिलाया, न ही किसी सुअर का ब्लड मिलाया, बल्कि ये खून तो, ऐसा रंग तो मनुष्य में पहले से ही होता है, ऐसे व्यवहार तो, है ना, ऐसे गुण तो उसके अंदर पहले से ही होते हैं, मैंने तो बस उन गुणों को बाहर निकाल के आपके सामने रखा है, ठीक। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, और आपको ये कहानी कुल मिलाकर ये बताती है कि मनुष्य जो है उसके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। अब मनुष्य क्या करता है, वो अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालता है या अपने बुरे गुणों को बाहर निकालता है। अगर मनुष्य अपने अच्छे गुणों का प्रयोग करता है, अपने अच्छे गुणों को दूसरों के सामने रखता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है, और अगर वो अपने बुरे गुणों को अगर लोगों के सामने रखता है तो फिर वो एक बुरा व्यक्ति बन जाता है। यहां इस इम्प ने उसे ललचाया अपने बुरे गुणों को बाहर निकालने के लिए, और उस किसान ने अपने सारे के सारे बुरे गुणों को, बुरे जो गुण थे उनको बाहर निकाला, और वो एक जानवर की तरह व्यवहार करने लग गया। पहले एक लोमड़ी की तरह, फिर एक भेड़िए की तरह, और अंत में जाकर वो एक सुअर की तरह व्यवहार करने लग गया। इस प्रकार ये कहानी पूरी हो गई। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझा दी है, मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको यह स्टोरी समझ में आई है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, ये मैटर पूरा क्लियर हो गया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक। फिर अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है, आपके दूसरे भाई बहन जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें शेयर करें, मेरे चैनल को रेकमेंड करें, और उसके बाद मेरे चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।